स्टोरेज बैटरी कंटे थर्टी एट परसेंट बाई वेट सोल्यूशन ऑफ एच टू एस ओ फोर एट द सोल्यूशन इन द बैटरी विल फ्रीज इज देखिए, इसको आप ऐसे देखिये थर्टी एट परसेंट वेट बाई वेट दिया हुआ है ऑफ सोल्यूशन ठीक है जो एच टू एस ओ फोर है तो मैं कह सकता हूं कि जो 38 ग्राम H2SO4 है वो अवेलेबल है मेरा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में ठीक है वेट वेट बाय का मतलब भी होता है, यानी जो मेरा वेट ऑफ H2SO4 है जो कि मेरा सोल्यूट है करेक्ट वो हो गया 38 ग्राम तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है मेरा 100 ग्राम अभी दिखा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया 100 यानी का माइनस सोल्यूट का यानी 62 टू ग्राम मेरा वेट ऑफ सोलवेंट आ गया अब ये क्यों निकाला मैंने बिकॉज मेरा जो फॉर्मूला होता है डेल टी एफ का क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है ना वो होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी मोलालिटी मुझे वेट ऑफ सोलवेंट चाहिए होता है तो डेल्टी एफ का हो जाएगा आई का दिया हुआ है टू पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीपाई के एफ क्या है मल्टीपोलिटी क्या होगी वेट ऑफ सोल्यूट थर्टी एट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोलूट मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा एच टू एस ओ फोर है तो टू एच एस ओ फोर आप निकाल लेना okay? और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा वेट ऑफ सोलवेंट यानी सिक्सटी टू ग्राम में है इसको किलोग्राम में करने के लिए हजार से कर देते हैं देखिए पूरा मोलरिटी काउंट हो रहा है आपका ठीक है तो डेल्टी एफ इससे क्या आ जाएगा पूरा कैलकुलेट करोगे आप तो थर्टी पॉइंट जीरो फाइव से ओके okay, अब इन्होंने कहा है कि द इन कैलविन एट विज सोल्यूशन इन फ्रीज तो टी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी टी फ्रीजिंग ऑफ वाटर माइनस टी फ्रीजिंग ऑफ सोल्यूशन टी फ्रीजिंग वाटर क्या हो जाएगा 273 सेवेंटी थ्री कैलविन यानी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड में लिख देते माइनस टी फ्रीजिंग सोल्यूशन क्या हो जाएगा थर्टी पॉइंट जीरो फाइव सेवन तो इसको करोगे तो टू फोर्टी टू पॉइंट नाइन फोर थ्री आ जाएगा रफली टू फोर्टी थ्री केल्विन ओके एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर सो आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है समझ में आयोग जो फाइनल आंसर आपका टू फोर थ्री है